हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को करेंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि चाहे हमारे प्राइस में डिस्टर्बेंस हो, चाहे क्वांटिटी में डिस्टर्बेंस हो, हमारा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, हम डिस्टरबेंसेस के बाद भी उसी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम को दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज सेट टू बी स्टेबल इफ आफ्टर डिस्टरबेंसेस कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अगेन एट द इनिशियल पोजीशन। मार्शल की स्टेबिलिटी को देखने के लिए, कि मार्शल के स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखने के लिए हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिस्टर्ब करते हैं, और वॉलरस के स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम प्राइस को डिस्टर्ब करते हैं। और जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन स्टेबल होती है तो हमारे बोथ दोनों सिचुएशन में, चाहे मार्शल हो चाहे वॉलरस हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो रिस्टोर हो जाती है। अब हम यहाँ पे वॉलरस और मार्शल की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि दोबारा से इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे हैं या नहीं। वॉलरस की स्टेबिलिटी जो है वो हमारी वाई एक्सिस पे है, जिसमें हम प्राइस को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, और मार्शल की स्टेबिलिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉलरस। वॉलरस का प्राइस जो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस था वो था पी स्टार। अब पी स्टार से जब था तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था ई पे। अब अगर प्राइस को हम बढ़ाते हैं, प्राइस को बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, पी वन कर देते हैं, तो पी वन करने से हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास सरप्लस हो जाएगा, और जब सरप्लस हो जाता है, मतलब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है, तो प्राइस कम होने शुरू हो जाते हैं और प्राइस पी वन से कम होकर फिर से पी स्टार पे पहुंच जाएंगे, और फिर से स्टेबिलिटी हमें मिल जाएगी देखने को वॉलरस के केस में। इसी तरह से अगर प्राइस पी स्टार से पी पे कर दिया जाता है, मतलब कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्टेज होने की वजह से क्या होगा, प्राइस जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस क्या होने शुरू हो जाते हैं, फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और हम फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार पे पहुंच जाएंगे। तो वॉलरस जो है यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। अब इसी तरह से हम देखेंगे मार्शल की स्टेबिलिटी। मार्शल की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेंगे, और मार्शल में सबसे पहले जो है हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या है, एक्स स्टार है। एक्स स्टार पे हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, ई पे था। अब यहाँ पे सपोज क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं एक्स स्टार से एक्स वन पे कर देते हैं। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगी तो सप्लाइड प्राइस हमारे ज्यादा होंगे और डिमांडेड प्राइस कम होंगे। अब ये सप्लाइड प्राइस और डिमांडेड प्राइस का मतलब क्या है, सप्लाइड प्राइस का मतलब जो है वो प्रोड्यूसर एक्स वन क्वांटिटी के लिए इतने प्राइस की डिमांड कर रहा है यहाँ पे, और डिमांडेड प्राइस का मतलब है कंज्यूमर कितना रेडी है पे करने के लिए, वो होगा डिमांडेड प्राइस। तो कंज्यूमर कम पे करने के लिए तैयार है और सप्लायर जो है वो ज्यादा प्राइस मांग रहा है, और जब उसको ज्यादा प्राइस नहीं मिल रहा अपनी एक्स वन क्वांटिटी के लिए, तो वो क्वांटिटी को कम कर देगा, और क्वांटिटी को कम करेगा तो क्वांटिटी एक्स वन से फिर से एक्स स्टार पे पहुंच जाएगी, और मार्शल का इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल हो जाएगा, मतलब फिर से इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्स स्टार से क्वांटिटी कम हो जाती है, एक्स पे पहुंच जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांडेड प्राइस जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा देने के लिए तैयार है, और जो प्रोड्यूसर है एक्स के लिए कितना, कम लेने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे जो सप्लाइड प्राइस है वो कम है और डिमांडेड प्राइस जो है वो ज़्यादा है, और जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस मिलेगा एक्स के लिए तो वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, और क्वांटिटी को कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि एक्स स्टार पे दोबारा से ना पहुंच जाए, मतलब यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी मार्शल की। तो मार्शल में भी यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो जब डिमांड, हमारा डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप है और सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ वॉलरस में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और मार्शल में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है
यहाँ पे इस डायग्राम की, और यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा एंड में वो क्या रिजल्ट निकलेगा। यहाँ पे कहा है अ सिचुएशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, एनी डिस्टर्बेंसेस इन प्राइस और क्वांटिटी इज टेम्परेरी एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड अगेन एट द इनिशियल पोजिशन। अब दूसरा केस आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन करेंगे। तो सिचुएशन वन जो है इसमें क्या कहा गया है, डिमांड कर्व क्या है पॉजिटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व क्या है नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो यहाँ पे हम मार्शल और वॉलरस की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास जब सप्लाई कर्व क्या है नेगेटिव स्लोप का है और डिमांड कर्व हम देख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप का है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारी पी स्टार जो थी वो प्राइस था वॉलरस का पी स्टार, और जब हम प्राइस को डिस्टर्ब करेंगे मतलब प्राइस को बढ़ा दिया, जब हमने प्राइस को इंक्रीज किया तो प्राइस को इंक्रीज करने से हमारा जो डिमांड है वो बढ़ गई और सप्लाई कम होगी, मतलब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है तो इसका मतलब शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस और बढ़ते हैं, प्राइस पी से और ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब वापस इक्विलिब्रियम पी स्टार पे नहीं आ रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे वॉलरस में स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम प्राइस को कम करते हैं, प्राइस को डिस्टर्ब करके कम कर दिया पी स्टार से पी पे किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी सप्लाई बढ़ गई और डिमांड जो है वो कम हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हमारी एक्सेस हो गया, सरप्लस हो गया। अब जब सरप्लस होगा तो प्राइस क्या होंगे और भी कम होते चलेंगे, और फिर से हमारा जो है वॉलरस में हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो जब हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है तो हमारा वॉलरस का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मगर मार्शल में कैसा रहेगा वो देख लेते हैं हम। मार्शल में हम किसको डिस्टर्ब करेंगे, अब मार्शल में हम करेंगे क्वांटिटी को डिस्टर्ब। तो मार्शल में जब हम क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो हम देख लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी जो मार्शल में दी गई थी वो एक्स स्टार है हमारे पास, यहाँ पे भी ये है एक्स स्टार। अब सपोज हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या हुआ, बढ़ गई एक्स स्टार से एक्स वन पे पहुंच गई, एक्स वन पे पहुंचने से क्या हुआ, अब जो डिमांडेड प्राइस जो है वो ज्यादा है, जो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है वो क्या है ज्यादा है, और जो सप्लायर है वो कम मांग रहा है मतलब सप्लाइड प्राइस जो है वो कम है, और जब कंज्यूमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है तो सप्लायर क्या करेगा और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा और एक्स वन से और आगे की तरफ जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड बढ़ेगा और हमारा हम देख सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे वापस नहीं जा रहे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्शल का भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसी तरह से अगर एक्स स्टार से क्वांटिटी कम करके एक्स पे पहुंच जाए तो क्या होगा, हमारी सप्लाइड प्राइस अब ज़्यादा है मतलब हम ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं और जो कंज्यूमर है कम देने के लिए तैयार है, तो अब हम क्या करेंगे और क्वांटिटी को कम करेंगे, और क्वांटिटी को कम करेंगे तो फिर से एक्स स्टार की तरफ मूव ना होके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और मार्शल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही यहाँ पे रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा फाइनल वो भी देख लेते हैं। हमारे पास जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही क्या है, हमारे डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व क्या है नेगेटिवली स्लोप्ड है, यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बोथ सिचुएशन में, वॉलरस में भी और मार्शल में भी। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है जब दोनों ही डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोप होंगे और सप्लाई कर्व जो है डिमांड कर्व को ऊपर से काटेगा। ये देखिए डाउनवर्ड है दोनों, डिमांड कर्व भी ऐसे है और सप्लाई कर्व भी डाउनवर्ड है, मगर अब डिमांड कर्व जो है वो नीचे है और सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर है, तो इस केस में क्या होगा वॉलरस और मार्शल के इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉलरस का। वॉलरस में पहले था पी स्टार प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस था। अब जब हमारे पास प्राइस बढ़े पी वन पे गए, प्राइस बढ़ने से क्या हुआ सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो हमें सरप्लस देखने को मिल रहा है, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस फिर से कम होंगे, और कम होके फिर से कब तक कम होंगे जब तक के पी स्टार पे ना पहुंच जाए, मतलब इक्विलिब्रियम जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा।
अब इसी तरह से अगर प्राइस कम हो गए पी स्टार से पी वन पे, पी पे चले गए, तो पी पे जाने से क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई जो है वो कम है, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस जो है फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं क्या होगा, इनिशियल इक्विलिब्रियम जो था वो फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। तो वॉलरस के केस में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि मार्शल में कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश होगी फिर से या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मार्शल में हम क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेंगे। जब क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल क्वांटिटी जो है वो एक्स स्टार है। अब एक्स स्टार है, सपोज क्वांटिटी को बढ़ाया, एक्स स्टार से एक्स वन पे गई, एक्स वन से होने से क्या हुआ, अब डिमांडेड प्राइस, कंज्यूमर तो ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है, मगर सप्लाइड प्राइस मतलब प्रोड्यूसर इस एक्स वन क्वांटिटी के लिए कम प्राइस मांग रहा था। अब जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस मिलेगा एक्स वन के लिए, तो वो और क्वांटिटी को बढ़ाएगा, तो हम इनिशियल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव ना करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम जो है दोबारा एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई, कम होने से क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सप्लाइड प्राइस मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा मांग रहा है, जबकि डिमांडेड प्राइस जो है वो कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है और क्वांटिटी को कम हो करेगा और मार्शल जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को यहाँ पे शो करेगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जब दोनों ही डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या होंगे, हमारे नेगेटिव स्लोप के होंगे, तो क्या होगा, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप है, एंड सप्लाई कर्व कट्स डिमांड कर्व फ्रॉम द अबव, देन इक्विलिब्रियम इज वॉलरेशियन स्टेबल। वॉलरेस में क्या रहेगा, स्टेबल, मगर मार्शल में क्या रहेगा, अनस्टेबल। अब नेक्स्ट केस, केस थ्री, हमारे पास दोनों ही डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप के हैं, और यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को ऊपर से काट रहा है। पहले क्या था, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को ऊपर से काट रहा था, अब हमारा डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को ऊपर से काट रहा है। तो यहाँ पे वॉलरस और मार्शल में स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वॉलरस में प्राइस था पी स्टार, अब पी स्टार प्राइस पे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ये इक्विलिब्रियम था। अब जब प्राइस पोज बढ़ाए पी से, पी स्टार से पी वन पे प्राइस बढ़े, तो उससे क्या हुआ, हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। मतलब यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़े तो डिमांड और बढ़ रही है, तो जैसे प्राइस बढ़ने से डिमांड और बढ़ेगी तो हमारे प्राइस और बढ़ेंगे, और प्राइस और बढ़ेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ, पी स्टार की तरफ मूव नहीं हो रहा, बल्कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और वॉलरस का जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्राइस कम होते हैं तो प्राइस कम होने से क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम होगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस और कम हो गए, तो वॉलरस में अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से अब हम देखते हैं मार्शल में क्या होगा, मार्शल में हमारी इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, एक्स स्टार थी। अब सपोज हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, एक्स स्टार से एक्स वन पे चले गए, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी, प्रोड्यूसर जो है वो एक्स वन क्वांटिटी के लिए कितना सप्लाई प्राइस जो है वो ज़्यादा मांग रहा है, मगर कंज्यूमर कम देने के लिए रेडी है। जब कंज्यूमर कम देने के लिए तैयार है और प्रोड्यूसर ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर को उतना प्राइस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को कम करेगा, और कब तक कम करेगा, जब तक कि वो वापस एक्स स्टार पे ना पहुंच जाए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा इनिशियल पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन से फिर से हमारी क्वांटिटी जो है कम होकर एक्स स्टार पे पहुंच जाएगी। इसी तरह से अगर क्वांटिटी सपोज कम हो जाती है, एक्स स्टार से कम होकर एक्स पे चली जाती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा देने के लिए रेडी है, मगर एक्स के लिए प्रोड्यूसर जो है कम प्राइस मांग रहा है। अब जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो क्वांटिटी को और बढ़ाएगा, और कब तक बढ़ाएगा, जब कि तक कि फिर से क्वांटिटी एक्स स्टार पे ना पहुंच जाए, तो यहाँ पे मार्शल में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या हमें देखने को मिलता है, जब दोनों ही डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप के हैं, एंड डिमांड कर्व जो है कट करता है सप्लाई कर्व को ऊपर से, तो इक्विलिब्रियम वॉलरस का तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मगर मार्शल का यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, जब दोनों ही डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जो है क्या है, पॉजिटिव स्लोप के हैं, बट डिमांड कर्व जो है सप्लाई कर्व को ऊपर से
काट रहा है। अब देख सकते हैं हम डिमांड कर्व ऊपर है और सप्लाई कर्व नीचे से, और डिमांड कर्व जो है ई पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है उसको। तो यहाँ पे वॉलरस में क्या इफेक्ट होगा और स्टेबिलिटी में और मार्शल की स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। वॉलरस की बात करें तो वॉलरस में पहले पी स्टार प्राइस था, अब पी स्टार से सपोज प्राइस को डिस्टर्ब करके प्राइस बढ़ा दिया, पी वन कर दिया। जब पी वन किया तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो बढ़ गई और डिमांड कम होगी, मतलब सरप्लस हो गया। अब जब सरप्लस होगा तो सरप्लस होने से क्या होगा, प्राइस कम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब प्राइस कम होके फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो वॉलरस में यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम प्राइस को फिर से डिस्टर्ब करें और प्राइस को पी पे ले आए, कम कर दे प्राइस को, तो अब हमारी क्या होगी, यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई हमारी कम होगी। इससे क्या होगा, शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होने पे हमारे क्या होते हैं, प्राइस बढ़ते हैं। तो प्राइस बढ़ के फिर से कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि पी स्टार जो है इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जब हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही अपवर्ड स्लोप के हैं और डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से काट रहा है, तो हमें वॉलरस में स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। इसी तरह से मार्शल में देखते हैं, मार्शल में हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा फिर, क्योंकि ऑपोजिट चलता है। अगर वॉलरस में स्टेबल है तो मार्शल में अनस्टेबल होगा, और वो कैसे अनस्टेबल होगा, हमारी इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, एक्स स्टार थी। जब हमने क्वांटिटी बढ़ाई, एक्स स्टार से एक्स वन पे गए, क्वांटिटी डिस्टर्ब हुई, क्वांटिटी डिस्टर्ब होके बढ़ी, तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो तो उसका सप्लाइड प्राइस कम है, और जो कंज्यूमर है डिमांडेड प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो जब जो सप्लायर है उसको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी को और बढ़ाएगा, और क्वांटिटी और बढ़ेगी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव नहीं करेगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ पे मार्शल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर क्वांटिटी कम होती है तो क्वांटिटी कम एक्स स्टार से एक्स एक्स पे जा रही है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाइड प्राइस, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा मांग रहा है मगर कंज्यूमर कम देने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को और कम करेगा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो फिर से हमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मार्शल में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो है कॉन्क्लूजन क्या निकलता है। जब दोनों ही, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई पर जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, एंड डिमांड कर्व कट सप्लाई कर्व फ्रॉम अबव, देन इक्विलिब्रियम इज वॉलरिशियन स्टेबल एंड मार्शल का क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब लास्ट केस हमारे पास आता है, लास्ट सिचुएशन है, जब दोनों ही डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप के हैं मगर सप्लाई कर्व कट कर रहा है डिमांड कर्व को ऊपर से। तो यहाँ पे वॉलरस में हमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और मार्शल में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वॉलरस में अनस्टेबिलिटी कैसे देखने को मिलेगी, जब प्राइस पी स्टार से डिस्टर्ब होकर पी वन पे जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम, मतलब प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार पे नहीं पहुंचेगा, तो मार्शल में अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस कम होगा तो प्राइस कम होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस और कम हो जाएगा। तो वॉलरस में तो हमें अनस्टेबिलिटी ही देखने को मिलेगी, प्राइस डिस्टर्ब होके चाहे कम हो या ज़्यादा हो। मगर मार्शल में हमें किस तरह से स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो थी मार्शल में थी एक्स स्टार, एक्स स्टार से हमने क्वांटिटी बढ़ाई, एक्स वन पे पहुंच गए, एक्स वन पे पहुंचने से क्या हुआ, प्रोड्यूसर ज़्यादा मांग रहा है, सप्लाइड प्राइस हमारा ज़्यादा है जबकि डिमांडेड प्राइस जो है हमारा कम है, जिसकी वजह से सप्लायर को जब उतना प्राइस नहीं मिलेगा एक्स वन क्वांटिटी के लिए जितना वो चाहता है, तो वो क्वांटिटी को कम कर देगा और क्वांटिटी फिर से कम होके एक्स स्टार पे पहुंच जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वांटिटी एक्स स्टार से कम होके एक्स पे गई थी तो अब क्या होगा, डिमांडेड प्राइस ज़्यादा है जबकि सप्लाइड प्राइस कम है, और जब डिमांडेड प्राइस ज़्यादा है मतलब कंज्यूमर ज़्यादा देने के लिए रेडी है, तो एक्स जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई मतलब क्वांटिटी को और बढ़ाएगा, तो एक्स से बढ़ के वो एक्स स्टार पे वापस पहुंच जाएगी और फिर से मार्शल का स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंड रिजल्ट जो है हमारे पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं। जब
दोनों ही, बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, और सप्लाई कर्व जो है डिमांड कर्व को ऊपर से काटता है। तो इक्विलिब्रियम इज वॉलरेशियंस अनस्टेबल, वॉलरस में अनस्टेबल, बट मार्शल में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा।